कार्य हो रहा है, कहीं कोई किसी धन का वितरण हो रहा है, सामग्री का वितरण हो रहा है, नशे का शराब का वितरण हो रहा है, तो सीबीटी ऐप के माध्यम से आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ऑनलाइन ऐप है, मोबाइल पे डाउनलोड करेंगे हो जाएगा, और उसमें आप अपनी शिकायत को उसमें 100 मिनट के अंदर अंदर कार्रवाई आवश्यक रूप से की जाती है। सीबीटी ऐप के बारे में यहाँ फ्लैक्स पे भी जानकारी दी गई है। आप अपने वोट का बैंक नंबर जानना चाहते हैं तो उसके लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप है, आप सारी जानकारी अपने बारे में प्राप्त कर सकते हैं। अपने उम्मीदवार बारे के बारे में जानना है तो KYC ऐप के नाम से है, नो युवर कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार को जानो तो उसमें उम्मीदवार की सारी पृष्ठभूमि जो है वो आपको मिल जाएगी। तो हम सबका ये नैतिक दायित्व है कि हम 25 नवंबर को अपना वोट डालें। सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्र में वोटर की परसेंटेज घट जाती है, गांव में वोट परसेंटेज खूब रहता है, लेकिन जैसे शहर में आते हैं तो वोटिंग परसेंटेज घट जाती है। तो ये प्रयास है कि शहर का भी वोट परसेंट सबसे ज़्यादा रहे और 100% मतदान हो। हमारा संघीय विधानसभा क्षेत्र पिछले चुनावों में भी वोटर टर्नआउट यानी वोट डालने में पूरे राजस्थान में पहले नंबर पर रहा था, तो हम ये चाहते हैं कि इस बार भी हम पहले नंबर पर पहुँचे, अपने वोट का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी प्रेरित करें कि वो 25 नवंबर को अपना वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर जाएं। 8 बजे से 5 बजे का जो टाइम है उसमें आप का प्रयोग करें। जो विकलांग है, दिव्यांग जिनको कहते हैं, वृद्धजन है, 80 साल से ऊपर की उम्र है लेकिन वो मतदान केंद्र तक नहीं आ सकता, तो उसके लिए भी निर्वाचन आयोग ने सुविधा दी है कि वो घर बैठे अपने वोट को फोन कर सकते। तो उसके लिए 4 नवंबर 23 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में आप अपना जो ऐसे मतदाता हैं जो 80 साल से ऊपर हैं, दिव्यांग हैं, चल के मतदान केंद्र पर नहीं आ सकते हैं, वो भी अपने वोट के लिए आवेदन कर सकते हैं। घर बैठे उनको वोट की सुविधा मिलेगी, पोलिंग पार्टी उनके घर तक जाएगी, वोट डलवा के लाएगी,